अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों आप लोग, स्वागत करते हैं अपने चैनल ट्रैवल द वर्ल्ड में। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इंशाल्लाह हम आपको अच्छी अच्छी जानकारी देंगे। आज हम आपको एक ऐसे शख्स की तस्वीर और डिटेल्स बताते हैं कि जो है ये बड़ा बड़ा इस्लामिक सर्टिफिकेट दे करके और अपने मुस्लिम भाइयों को ही लूटता है, उसका गला काटता है, ठीक है ना। विदेश भेजने के नाम पर ये जो है सिर्फ पैसे ऐंठता है और इसके सिवा इसके पास कुछ काम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह पाक सवाब भी देता है तो अजाब भी देता है। इसकी हालत क्या हुई है मुझे मालूम पड़ा है कुछ लोगों से, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि जागरूक होइए। आजकल गूगल चल रहा है और सब कुछ चल रहा है, ठीक है ना, ऑनलाइन है सब कुछ। तो आप लोग वहाँ से सर्च कीजिए और जो है मतलब पहले वेरीफाई कीजिए, आप सेटिस्फाई हो जाएं तभी आप पैसा दें, ठीक है ना। ये नहीं कि आपको बड़ा बड़ा कोई इस्लामिक सर्टिफिकेट दे दिया और आप उसको उठा करके पैसा दे दिए। ये देखिए इसका नंबर है, ये इसका फेस है, इसके फेस पे पहुँच जाइए। सूरत वलसाड का रहने वाला है, गुजरात का, और मुंबई में रहता है। इसके हज़ारों नाम हैं, साद बीजा ट्रेवल तो क्या क्या, खालिद तो क्या क्या, इसका बहुत बड़ा ग्रुप है। ये देखिए इसकी ये हालत हो चुकी है, ठीक है ना। इसके इतने ऑपरेशन हो चुके हैं, इतना सब कुछ हो चुका है, लेकिन फिर भी ये बाज नहीं आता है कभी। ये जो है मतलब लोगों से पैसे लेगा, बोलेगा मैं आपको प्राइम मिनिस्टर बना दूंगा, ठीक है ना, सऊदी दुबई बहरीन कहीं भी भेज दूंगा, ठीक है ना, और आपसे एक मोटी रकम लेकर के ये कभी थाईलैंड के रास्ते बगैर वीज़ा के मलेशिया भेजता है, तो कभी जो है मतलब ट्रांजिट वीज़ा पे सऊदी दुबई भेज देगा विजिट वीज़ा पे, और फिर बाद में किनारा कर लेगा कि अब वहाँ पहुँच गया है तो सामने वाला मेरा क्या कर पाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों के विरुद्ध एक्शन लेना भी बहुत ज़रूरी है और आप लोग को सचेत रहना भी बहुत ज़रूरी है। भाई अगर आपके पास पैसा होता तो आप विदेश में काम करने की सोचते तक नहीं, ठीक है ना। माँ बाप कैसे पैसा ला करके इकट्ठा करके देते हैं। आप लोग भी जो है मतलब जो मैरिड हो चुके हैं वो अपनी बीवी का गहना वगैरह सब गिरवी रख करके पैसा इकट्ठा करते होंगे, या ज़मीन वगैरह गिरवी रख करके पैसा इकट्ठा करते होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों से सचेत रहने की ज़रूरत है और लोगों को जागरूक रहने की ज़रूरत है, ठीक है ना। ऐसे लोगों से बिल्कुल सचेत रहें, ठीक है ना। ये सब पाकिस्तान तक भेज देते हैं नेपाल के रास्ते, ठीक है ना, इधर उधर कैसे भी करके, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों के झांसे में ना आए, ये सब अपने मुसलमान के नाम पर कलंक है, ठीक है। और जो है मतलब जागरूक होइए, जुनून होइए, और ऐसी अगर कोई भी घटना की जानकारी आपको है तो आप हमको बताइए और मैं दिखाऊँगा इंशाल्लाह। तो इनके ग्रुप के बारे में भी आगे बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।